प्राकृतिक गैस की कीमतें रातों रात अपने उच्चतम स्तर से 9.5% से नीचे आ चुकी हैं। एक दिन पहले तक अमेरिकी बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतें अपने 7 साल के उच्चतम स्तर पर और यूरोप एशिया के बाजारों में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही थी। ऐसे में अब कुछ राहत मिलती दिखाई दी है। नेचुरल गैस की कीमतों में इस गिरावट के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि वे यूरोपीय यूनियन को गैस की सप्लाई बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि यह यूरोप में कुछ नीतियों या नीतियों में बदलाव के चलते सप्लाई में यह कमी आई है, जिसके चलते यूरोप को नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की बड़ी कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्राकृतिक गैस की कीमत में जहां रातों रात 10% की गिरावट आई है, वहीं तथ्य यह भी है कि सिर्फ इस साल में यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतों में 600% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोपीय यूनियन अपनी जरूरत का 90% प्राकृतिक गैस आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसकी निर्भरता अभी भी अधिक है। यूरोप के पास प्राकृतिक गैस की इन्वेंट्री उसकी क्षमता के 76% पर है, जो पिछले एक दशक का निचला स्तर है। ऐसे में प्राकृतिक गैस की कीमतों के अभी भी उच्च स्तर पर बने ही रहने की उम्मीद है। वहीं एशियाई बाजारों को देखें तो कल LNG की कीमतें 40% बढ़कर $56 प्रति MMTBU के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। एशियाई गैस की कीमतों में भी इस साल 500% की वृद्धि हुई है और सर्दियों के मौसम को देखते हुए इसकी मांग अधिक बनी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।